बच्चों, आप सभी का नंदन स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का तीसरा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर किसे कहते हैं? फाइबर जो होता है अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम दिस क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। फाइबर को हिंदी में तंतु कहते हैं या फिर रेशा कहते हैं हिंदी में। फाइबर क्या होता है? बहुत ही महीन सा दम धागा जैसा जो है, एक पतला सा रेखा जैसा कपड़े में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। और फैब्रिक का क्या मतलब होता है? फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ, यानी कपड़ा या वस्त्र बोलते हैं। फैब्रिक कैसे बनता है? फैब्रिक बनता है जब आप वीविंग करते हैं या निटिंग करते हैं, बुनाई या कताई करते हैं। और बुनाई कताई करते हैं क्या किस में? जब बड़ा सा लंबा या ट्विस्टेड थ्रेड रहता है, जो इसको यार्ड कहते हैं, ये सब मिला के आपको फाइबर बनाता है। अब बहुत तरह का जो है फैब्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, खास करके हमारा जो स्कूल का यूनिफॉर्म हो गया, जो स्कूल ड्रेस पहनते हैं, पैंट शर्ट या फिर ट्राउजर हो गया, ब्लाउज हो गया, स्कर्ट हो गया, शर्ट हो गया, साड़ी हो गया, शॉल जो पहनते हैं ओढ़ते हैं ठंड के समय में, ब्लैंकेट हो गया, बेडशीट हो गया, टॉवल हो गया, इसी तरह से ढेर सारा चीज जो है आप देख सकते हैं। और आपका जो स्कूल बैग है, ये भी आपका फैब्रिक से ही बनता है। और फिर सामान लादने के लिए चीनी का बोरा वगैरह होता है, गनी बैग जिसको बोलते हैं, वो भी आपका जो है एक तरह का फैब्रिक ही है। अब बच्चों जानते हैं कि फैब्रिक का कितना टाइप्स है या कितने कितने वैरायटी के जो है फैब्रिक्स पाए जाते हैं। अगर आप किसी दर्जी वाले के पास चले जाए, उनके यहाँ जो है बहुत सारा कपड़ा का जो है कतरन जो है आपको मिल जाएगा। और उसमें अगर गौर से अगर देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स का जो है सब में चेंजिंग नजर आएगा। अब लार्ज वैरायटी जो है फैब्रिक्स का, हम उसको देख करके, अंदाजा छू करके, टच करके, जला करके आप उसको जांच सकते हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेज आपको आएगा। अब क्लॉथ्स जो है, फैब्रिक क्या है? ये आपको कॉटन से बन सकता है, फैब्रिक आपका उल से भी बन सकता है, सिल्क से भी बन सकता है, और कुछ जो है सिंथेटिक मटेरियल से भी बन सकता है, जिसको हम लोग मैनमेड मटेरियल कहते हैं। अब जितना भी फैब्रिक्स है उसको आप चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका कॉटन फैब्रिक्स, दूसरा है उलन फैब्रिक, तीसरा है सिल्क फैब्रिक्स, और चौथा क्या है आपका? सिंथेटिक फाइबर। बच्चों अगर चारों को अगर देखें तो कॉटन फैब्रिक जो है, जिसको सूती कपड़ा बोलते हैं, अब इसको जो है हम लोग गर्म के दिनों में समर सीजन में इसको पहनते हैं। उलन फैब्रिक है, इसको ऊनी वस्त्र जिसे बनता है, इसको हम लोग ठंड में पहनना पसंद करते हैं। जबकि सिल्क फैब्रिक हो गया और सिंथेटिक फाइबर जिसको मैनमेड फाइबर बोलते हैं, ये दोनों जो है आपको ना ही ज़्यादा ठंड ना ही ज़्यादा गर्मी, यानी बसंत का महीना, इन सब दिनों में आप उसको आसानी से पहन सकते हैं, एसी वाले कमरे में या इस तरह से और भी जगह पे। अब जानते हैं कि फैब्रिक किससे बनता है। फैब्रिक बनता है आपका यार्ड से, और इसी को यार्ड्स जो है यही टर्न हो जाता है फाइबर में। अब फैब्रिक जो है किससे बनता है? फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्ड्स विच आर इन टर्न मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब किसी कपड़े को आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें जो है लगातार जो है एक धागे का जो है एक बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट आपको नजर आए। एक कपड़े को क्लोज से देखेंगे उसमें धागे का जो है एक कंटिन्यूस जो है 90 डिग्री पर आपको नजर आएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आप उसे देख सकते हैं। तो फैब्रिक जो बना रहता है उसमें धागा का जो है एक स्ट्रक्चर जो है क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी तरह से बना रहता है। अब इसमें जो है जब गौर से देखेंगे और अपने नाखून से एक धागा को जो है खींचने का कोशिश करिए तो देखिएगा कि आपको इसी तरह से ढेर सारा जो है आपको यार्ड जो है थ्रेड जो है धागा निकाला जा सकता है। अब थ्रेड में से थ्रेड क्या हुआ? तो जब एक थ्रेड निकलता है, धागा जिसको बोलते हैं, यार्ड भी बोलते हैं उसको, अब यानी कह सकते हैं एक फैब्रिक जो है किससे बना होता है? यार्ड से बना जाता है, जिसको थ्रेड बोलते हैं, जो आपस में क्लोजली जो है वो बुना जाता है तो कपड़ा बन जाता है। अब फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्ड विच इज ए स्पन थ्रेड, और यार्ड आर मेड ऑफ फाइबर। अब एक यार्ड को यानी एक धागा को आप ले लीजिए, उस धागा को भी थोड़ा सा आप खोलिए, उस धागा खोलिए, उसमें जब महीन सा
रेशा जैसा आप स्ट्रक्चर उसमें से खींची नहीं, अब जब खींचेंगे वो जो महीन सा स्ट्रक्चर है वही आपका क्या कहलाता है, फाइबर्स कहलाता है। अब इस तरह से कह सकते हैं कि यार्न जो है आपका किससे बना रहता है, फाइबर से बना रहता है, जबकि फैब्रिक किससे बना रहता है, यार्न से, और यार्न किससे बना रहता है, फाइबर से बना रहता है। फाइबर से यार्न बना, यार्न से फैब्रिक बना, फिर ये आपका क्लॉथ वगैरह बना, और अपैरल जिसको शर्ट पैंट जिसको जो बनाना है वो फाइबर क्या हुआ, फाइबर्स आर वेरी थीन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच फैब्रिक्स और क्लॉथ इज मेड। अब फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, ये दो टाइप से डिवाइड इसका किया गया है, पहला है आपका नेचुरल फाइबर और दूसरा है आपका सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स एंड जूट। नेचुरल फाइबर जो इसको बोलते हैं प्राकृतिक रेशा, जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, प्रकृति मतलब नेचर से, नेचर में अगर जो नेचुरल, इसमें आपका एक प्लांट हो गया, दूसरा हो गया एनिमल हो गया, इसी दोनों चीज़ों से जो आप फाइबर्स प्राप्त करते हैं उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। अब जैसे कि कॉटन फ्लैक्स हो गया, कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, ये नेचुरल फाइबर है जो प्लांट से रहते हैं। दूसरी तरफ से एनिमल से दिखेगा तो ऊल और सिल्क सब ये सब प्राप्त किया जा सकता है। ऊल जो है मोस्ट कॉमनली जो है आपको सीप से मतलब प्राप्त किया जाता है, जबकि सिल्क फाइबर जो है ये आपको सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है। द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। प्राकृतिक का नेचुरल फाइबर का जस्ट उल्टा क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर हो गया। अब वैसे फाइबर इसको कहाँ बनाया जाता है, केमिकल सब्सटेंस से कहाँ पे बनाया जाता है, इंडस्ट्री में, उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जैसे कि नायलन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, टेडलिन हो गया, पॉलीकैट्रिक हो गया, जैसे कि ऑर्लन वगैरह हो गया। बच्चों इसी तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं छू करके, टच करके, कि कौन कॉटन है, कौन नेचुरल है, कौन आर्टिफिशियल है, ये सब हम जान सकते हैं। कुछ उसका एक्सपेरिमेंट है, आइए उसके बारे में जानते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फैब्रिक इसमें यूज हुआ है इन कपड़ों में, तो कुछ कतरन जो है आप उठा के ले आइए और उसको हम जलाएंगे, पूरा कपड़ा नहीं जलाना है, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट्स का जलाएंगे, इसको जांचना है। मान लीजिए कि हम एक कपड़े के टुकड़े को लेते हैं और उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद उसमें कुछ महक तो आएगी ही, तो अगर पेपर जैसा जलता वैसा महक आ रहा है, इसका मतलब वो कपड़ा क्या है, सूती कपड़ा है, यानी कॉटन फाइबर है, क्योंकि कॉटन जो है वो ना ही पिघलता है, ना ही वो उसका जो है बेड्स बनता है बर्निंग के वक्त में। दूसरा अगर कि वैसा फैब्रिक कपड़ा जिसको आप जलाएं और जलाने पर कैसा हो, बाल जैसा जलता है वैसा महके, इसका मतलब वो क्या है, उल है, यानी ऊन है। इसी तरह से अगर कोई फैब्रिक है, कपड़ा है, जिसको जलाएं और जलाने के बाद जो है सड़े हुए मीट की तरह उसे बदबू आए, तो समझिए कि वो सिल्क फैब्रिक है। इसी तरह से आप ऐसा कोई क्लॉथ का पार्ट्स या पीस ऑफ फैब्रिक जो क्या हो, इसको जलाने पे प्लास्टिक की तरह बदबू करें, इसका मतलब क्या है, वो सिंथेटिक फैब्रिक है। अब कुछ प्लांट फैब्रिक के बारे में जानते हैं। कॉटन, इसको सूत कहा जाता है। कॉटन जो है यानी सूत, सबसे ज़्यादा जो है नेचुरल फाइबर जितना भी उसमें सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। कॉटन फाइबर को जो है नॉर्मली इसको कॉटन उल भी कहते हैं। कॉटन फाइबर आपको कॉटन प्लांट से प्राप्त किया जा सकता है, और ये कहाँ पे प्लांट मिलता है, ये प्लांट मिलता है आपको जहाँ पे खेतों में किसान इसे उगाते हैं। कॉटन क्रॉप जो है यूजुअली अगर देखा जाए तो ये वैसे जगह पे उगाया जा सकता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो, यानी काली मिट्टी और गर्म वातावरण वहाँ पे होना चाहिए। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो है कॉटन जो है मेनली आपको महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश और गुजरात में जो है कॉटन आपका उगाया जाता है। अब कॉटन फ्रूट्स जो है, अब कॉटन फ्रूट्स प्लांट है, जिसको कॉटन बॉल भी बोलते हैं, कपास का गोला जिसको कह सकते हैं, इसका साइज जो है नींबू के साइज के जैसा रहता है। जब ये पूरी तरह से पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो कॉटन बॉल जो है वो उसका ब्रस्ट कर जाता है, और वहाँ पे उसके अंदर जो है कॉटन सीड्स जो है उसका बीज जो है उसमें रहता है,
जो पूरी तरह से उजला सा सॉफ्ट सा कॉटन फाइबर से ढका रहता है। अब जहाँ पे कॉटन प्लांट रहता है वहाँ पे उस कॉटन वूल को जो है हाथों से चुना जाता है नॉर्मली, और क्योंकि उसके बाद जो है उसको चुनने के बाद फिर कंबल जैसा कंघी जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है जिससे उस फूल और क्या कहते हैं उसका बीज दोनों को अलग अलग करने का प्रोसेस किया जाता है। अब वैसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिनिंग और कॉटन। गिनिंग क्या है? गिनिंग में बीजों को कपास के फूलों को बीजों से अलग करना। गिनिंग जो है मेनली तौर पर जो है हाथों से ही किया जाता है, जो कम्बलाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो डिवाइस रहता है, लेकिन आज के समय में जो है व्यापारिक स्तर पर इसको किया जाता है तो ये जो है मशीन से भी आपको किया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है हाथ से ये किया जाता है। कॉटन जो है ये आपका फैब्रिक जो बनता है जिसको क्लॉथ बोलते हैं, ये सिर्फ कपड़े बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसके अलावा जो है इससे आपको जो है तकियों के अंदर में भरने के लिए या फिर मैटर्स बनने के लिए, रजाई में भरने के लिए, ये सब जो है आपका बनता है कॉटन से। अब जानते हैं दूसरा, वो है फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स भी आपका नेचुरल फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट आर कॉल्ड द फ्लैक्स फाइबर। वह फाइबर जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फ्लैक्स प्लांट्स, उसको क्या कहते हैं? फ्लैक्स फाइबर कहते हैं, या सो नॉर्मली जो है इसको फ्लैक्स भी कहा जा सकता है। द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट एंड द फ्लैक्स फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक और क्लॉथ। अब द क्लॉथ मेड फ्रॉम स्टेम फाइबर ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लिनन। अब जो कपड़े बनते हैं फाइबर किसके? फ्लैक्स से, उसको क्या कहते हैं? लिनन कहा जाता है। लिनन का फिर यूज किसने किया जाता है? बेडशीट बनाने में। अब फ्लैक्स प्लांट जो है ये आपको ये भी खेतों में ही उपजाए जाते हैं और फिर इससे फैब्रिक बनाया जा सकता है। फ्लैक्स फाइबर हो गया या फिर जूट फाइबर हो गया या फिर कोकोनट फाइबर हो गया, सबसे आप फाइबर बना सकते। दूसरा है आपका, माफ करेंगे, तीसरा आपका जूट फाइबर। जूट फाइबर जो है ये भी आपको जूट प्लांट के स्टेम से, उसका जो कवरअप होता है प्लांट का, उसको खींच करके जूट फाइबर आपका प्राप्त किया जाता है। जूट को हिंदी में पटसन कहते हैं और भारत में जो है जूट जो है आपको पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, आपको वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम में ये उगाया जाता है। जूट क्रॉप जो है ये मेनली जो है कल्टिवेट किया जाता है रेनी सीजन में। फाइबर जब उसमें से निकल जाता है तो जूट का जो प्लांट होता है उसको काट दिया जाता है जब पूरी तरह से पक जाता है, और फिर उसको कुछ दिनों के लिए रखा जाता है पानी में उसको डाल दिया जाता है फूलने के लिए, और कुछ दिन के बाद जो है 10-15 दिन के बाद उसके बाद उसमें पानी में से उसको निकाल दिया जाता है और पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसका ऑटर कवरअप जो रहता है प्लांट के चारों तरफ उसको खींच के निकाल दिया जाता है, वही आपका क्या हो गया? फाइबर हो गया। अब ये और सब फाइबर की तुलना में जो है जूट का फाइबर बहुत ज़्यादा कड़ा होता है, रफ होता है, इसलिए इससे जो है हम लोग कपड़ा वगैरह, वस्त्र वगैरह सब नहीं बना पाते हैं। तो जूट का फिर इस्तेमाल किस में होता है? इसका इस्तेमाल होता है आपको रस्सी बनाने में, इसके अलावा जूट का बैग बनाने के लिए जिसको गनी बैग बोलते हैं, चीनी का बोरा या गेहूं का बोरा सब लोग देखे होंगे, उसमें आपको पता चलेगा। इसके अलावा जूट बैग, गनी बैग जो है ये आपको शॉपिंग बैग जो होता है उसमें भी आप देख सकते हैं, या फिर जिसमें फूड ब्रांड वगैरह रखते हैं, ये सब आपका हो जाता है। अब कोकोनट फाइबर जो है ये यूज किया जाता है इसका रोप और मैट बनाने में नहीं, और इसके अलावा पेपर जो है ये भी बनता है आपका प्लांट से ही। तो बच्चों हमने देखा किस तरह से आपका फाइबर का अलग अलग इस्तेमाल होता है। बच्चों जानते हैं हाउ डज द मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स। यार्न जो है एक तरह का एक लंबा सा ट्विस्टेड थ्रेड होता है। यार्न जो है ये आपका बनता है फाइबर्स और जिसको हम लोग स्पिनिंग प्रोसेस से बनाते हैं। अब एक क्या करिए, कॉटन का जो सूत, कॉटन रुई जो है वो ले लीजिए और इसमें हाथ से इसको पकड़ लीजिए और थोड़ा सा घुमाते हुए इसको खींचिए। घुमाते हुए जब खींचेंगे तो एक धागा जैसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा। वैसे नॉर्मली वो पतला सा नहीं होगा लेकिन मोटा सा बनेगा। ये जो पतला सा निकला यही इसको यार्न आप कह सकते हैं, और इसी को अगर बेहतरीन तरीके से किया जाए तो वही अच्छा सा धागा बनता है जिसे कपड़ा वगैरह का निर्माण किया जाता है।
तो देन स्पिनिंग कन्वर्ट फाइबर्स इनटू यार्न, तो स्पिनिंग के ही थ्रू जो है आपको फाइबर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यार्न्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बच्चों फाइबर्स को जो है आप कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए कुछ डिवाइसेज हैं जिससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि तकली हो गया जिसको हैंड स्पिंडल बोलते हैं, इसके अलावा चरखा हो गया जिसको स्पिनिंग व्हील के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा स्पिनिंग मशीन भी है जिससे आप धागा बना सकते हैं। बात करते हैं हाउ डज मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न, अब यार्न से फैब्रिक बनाया कैसे जाता है, इसके दो प्रोसेस हैं, एक है आपका वीविंग और दूसरा है आपका नीटिंग। वीविंग के बारे में जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक और क्लॉथ बाय अरेंजिंग यार्न्स लॉन्ग थ्रेड पासिंग इन वन डायरेक्शन विद अदर यार्न्स एट राइट एंगल्स टू देम इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग में क्या होता है कि वीविंग के मेथड से जो है यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम लोग लूम्स की सहायता से उसको कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, सारे यार्न्स को जो है एक लंबा सा जो है स्ट्रक्चर 90 डिग्री पे उसको अरेंज किया जाता है, एक वन डायरेक्शन से 90 डिग्री पे सबको रखा जाता है, जिससे इस प्रोसेस को हम लोग वीविंग कह सकते हैं। अब इसी को जो है इसमें एक डिवाइस यूज किया जाता है वीविंग के लिए, जिसको हम लोग कड़का बोलते हैं लूम को, और टू टाइप्स का लूम्स जो है देख सकते हैं, एक हैंड लूम्स हो गया, एक पावर लूम्स हो गया। अब जो हाथ से काम किया जाएगा उसको हैंडलूम बोलते हैं, इसको हथकरघा भी कहते हैं, और दूसरी तरफ वैसा लूम जिसको क्या किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू जो है मशीन में बनाया जाता है, उसको पावर लूम बोलते हैं या बिजली करघा भी कहा जाता है। अब दूसरे प्रोसेस के पास आते बात करते हैं, इसका नाम है आपका निटिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विथ निटिंग नीडल और मशीन इज कॉल्ड निटिंग। निटिंग भी आपका बुनने का ही प्रकार है। अब इसमें क्या किया, आपने स्वेटर बुनते हुए अपने माँ को या किसी को घर में देखा होगा, जिसमें वो क्या करते हैं दो ऊन के धागे को लेकर के क्रॉस वाइज उसको बुनते हैं। उसमें क्या किया जाता है, क्रॉस वाइज आपका बुना जाता है, और इसी क्रॉस वाइज जो बुनने का प्रक्रिया होता है इसको क्या बोलते हैं, नीटिंग बोलते हैं। इसके लिए दो आपका जो है दो नीडिल जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिससे स्वेटर वगैरह बुनते हुए आप दे सकते हैं। अब जानते हैं कि क्लॉथिंग मटेरियल का जो है वस्त्र का क्या इतिहास है। अभी के समय में जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट का कपड़ा अपैरल जो है आप पहनते हैं, लेकिन पुराने समय में जो है इस तरह से नहीं था। अब पुराने समय में क्या होता था कि लोग जो है पेड़ का जो है छाल होता है उसका इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा जो है बड़ा बड़ा पत्ता जो पेड़ों का होता है उसका इस्तेमाल करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए, इसके अलावा जो एनिमल का स्किन होता है चमड़ा या फर्स, इसको भी अपने बॉडी को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बहुत दिनों तक जो है भारतीय इलाके में अगर देखा जाए तो कॉटन वगैरह उगाते थे, वहीं पर नील इजिप्ट के पास देखा जाए तो जूट वगैरह सबका आपका फ्लैक्स वगैरह का वहाँ पे खेती होता था। अब पुराने समय में क्या होता था कि जो भी उनको जानवर का वस्त्र मिला या कुछ इसी किसी भी चीज़ का मिला तो उसको सीधे लपेट लेते थे, क्योंकि उस समय में सुई का खोज नहीं हुआ था, सुई नहीं बना था, इसलिए उस समय वैसे ही लोग लपेट लेते थे। साड़ी देख लीजिए या लुंगी देख लीजिए या धोती देख लीजिए, उसी समय से चला हुआ परंपरा है। वैसे अगर देखा जाए तो जितना भी आपका थ्रेडिंग अगर करते हैं धागे का सिलाई होता है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहता है, इसलिए खुलाई वस्त्र जो है स्वास्थ्य के लिए जो है ज़्यादा लाभदायक है, इसके अपितु जो है कि हम उसको थ्रेडिंग करके रखें। अब इसी तरह से आगे जो है सो मानव विकास करता गया, सुई के जगह पे जो है जानवर का बाल जो है माफ करेंगे सुई के जगह पे क्या कहते हैं पक्षी का जो है स्मॉल बर्ड्स का जो वो हड्डी होता था उसका वो इस्तेमाल करते थे, और धागे के जगह पे जो है आपका जानवर का जो है बाल वगैरह का इस्तेमाल वो करते थे। इस तरह से आपका कपड़ा का जो है इतिहास धीरे धीरे शुरू हुआ, राज बहुत सारा शुरू हुआ। धन्यवाद।